उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मुलाकातों का दौर जारी है। कभी सीएम योगी दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व में मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, तो कभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना करीब करीब तय है। लेकिन इस बीच अब ओपी राजभर ने भी सीएम योगी से मुलाकात की है। इसकी जानकारी खुद सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दी है। इसको लेकर राजभर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर सीएम योगी से मुलाकात करते दिखे। राजभर की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब यूपी में योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जारी है और राजभर के भी कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाएं हैं। इससे पहले सुबह सपा नेता ने गुरुवार को यानी कि बीते कल प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, जिसकी जानकारी भी राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी। बता दिए कि इसी साल समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर सुबह सपा दोबारा से एनडीए में शामिल हुई है, जिसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि राजभर एक बार फिर से प्रदेश सरकार में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है। वैसे तो अक्सर ओपी राजभर भी बार बार खुद के मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब यही देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल में राजभर को जगह मिलती है या नहीं। पर अगर राजभर को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो वो जरूर एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।